लेकिन आज मुझे उतनी इंटेंसिटी फील नहीं हुई। आज मूड नहीं था वर्कआउट करने का, फिर भी मैंने किया क्योंकि वर्कआउट मिस नहीं होनी चाहिए वर्कआउट, इसलिए मुझे लगा आज प्री वर्कआउट लेना चाहिए था। मैं डेली नहीं लेता, कुछ स्पेसिफिक वर्कआउट्स के लिए ही या फिर जब मूड ना हो तभी लेता हूँ, लेकिन आज लेने का रीज़न था फिर भी नहीं लिया, इसलिए वर्कआउट अच्छे से नहीं हुआ मेरा। ठीक है, लेकिन व्हाट मैटर्स की मैंने वर्कआउट किया बस। और बताओ क्या करना चाहिए ब्लॉग्स में? मुझे ऐसा घर आने के बाद गिल्टी फीलिंग आ रही है कि और क्यों नहीं किया मैंने वर्कआउट इंटेंसिटी के साथ। जो भी अभी हो गया क्या कर सकते हैं इस बारे में? ठीक है, मेरे को पंप चेक करने का मन भी नहीं है, फिर भी करना चाहिए क्योंकि डे इन डे आउट प्रोग्रेशन देखना चाहिए ना, इसलिए। इस वाले में मेरे को ज़्यादा डेफिनेशन दिख रहा है कंपेयर टू दिस वन, पता नहीं क्यों ऐसे, यही मसल इम्बैलेंस होता है शायद। क्योंकि देखो अभी जैसे भी मैं इस तरफ से लैट्स खोलूँगा ना, आई फील राइट साइड वाला लैट थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है और लेफ्ट साइड वाला थोड़ा कम। मे बी इट बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट आई या फिर कुछ हो सकता है, मसल इम्बैलेंस तो होता ही है सब में। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोग्रेशन के लिए ही है एंड आई वॉन्ट टू ट्रैक व्हाट आई एम डूइंग। ओके, सो लोग कहने दो कुछ भी कहे, लेकिन व्हाट मैटर्स टू मी इज कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैक व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि हम लोग इतना हार्ड करते हैं वर्कआउट, इतनी मेहनत लगाते हैं वर्कआउट में, उसका कुछ भी ऐसे ही वैल्यू नहीं रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए। आई वॉन्ट टू ट्रैक एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्रैकिंग माई ऑल फूड इनटेक, एक्सरसाइज इनटेक, सब कुछ ट्रैक कर रहा हूँ। बाकी मैं जब स्टार्ट किया था ये वीडियो बनाने के 1 वीक पहले तो आई वॉज लाइक 82 kgs, अभी मैं 78 हूँ, एम्प्टी स्टमक पर 78 हूँ। सो देखा जाए तो आई लॉस्ट 4 kgs इन प्रिटी 2-2.5 वीक्स, अभी उसी पे मेंटेन चल रहा हूँ।
आई वॉन्ट टू गेट इन शेप लाइक 75 और शेप, दैट्स गुड 75 करते हैं फिर, और भी टाइम है, कितना बहुत टाइम बचा है, यू कैन डू दैट ऑल्सो. आई वॉन्ट आई इंकरेज यू गाइज ऑल्सो टू ज्वाइन द जिम, या फिर कुछ भी करो, लेकिन करो अपने बॉडी को हेल्दी बनाओ बस. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, जितने भी सब्सक्राइब किए, जितने भी लाइक मार रहे हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, रियली दिल से बोल रहा हूँ. थैंक यू.